नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। क्या दरभंगा एयरपोर्ट के जमीन अधिग्रहण के काम में कोई नया लोचा फंस गया है? जी हाँ दोस्तों, आज इसी की बात करेंगे, क्योंकि खबर आ रही है कि जमीन अधिग्रहण के मामले में जो प्रक्रिया है वो चल रही है और जमीन मालिक को बुलाया गया था कैंप में, लेकिन जमीन मालिक नहीं आए क्योंकि उन्हें कम पैसा सरकार ऑफर कर रही है। यानी कि बिहार सरकार ने जो रेट लगाया है जमीन अधिग्रहण का, जो पहले चरण में 24 एकड़ ज़मीन बनना है, लिया जाना है और उससे रनवे का विस्तार होगा, उस पर जो है वो अड़ंगा लगा दिखाई दे रहा है। उसमें दिक्कत आ गई है कि ज़मीन मालिक तैयार नहीं है, जो रेट दिया जा रहा है उनको ऑफर किया जा रहा है। और इसी को लेकर के खबर ये है, प्रभात खबर में खबर छपी है जो अखबार में, कि अधिग्रहण में रोड़ा आ गया है और दरभंगा एयरपोर्ट के विकास में एक नई अड़चन आ गई है। अजय कुमार मिश्रा हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट छापी अखबार में। उनके द्वारा जो कहा जा रहा है ये कि कम कीमत की बात कह रहे हैं, कैंप से कन्नी काट रहे हैं भूधारी, यानी कि अगर भूधारी नहीं आएंगे तो बिकेगा कैसे और ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कैसे होगी, बड़ा सवाल है। और इन ज़मीन मालिकों को समझाया कैसे जाए, क्योंकि सवाल यही है कि वासुदेवपुर, रानीपुर और बेलादुल्ला मौजे से 24 एकड़ ज़मीन भू अधिग्रहण की जानी है, इसकी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन ज़्यादातर ज़मीन मालिक का कहना है कि सरकार कम कीमत पर उन्हें ज़मीन उनसे ले रही है। जो रेट लगाया गया है, चूँकि वो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के किनारे की ज़मीन है, इसलिए जो रेट है वो 10 से 15 लाख का है, लेकिन जो रेट है वो कम लगाया जा रहा है। अधिग्रहण को लेकर रानीपुर और बेलाबुदुल्ला के कैंप में लगाकर किसानों से ज़मीन संबंधित कागजात मंगाए जा रहे हैं, लेकिन उसमें लोग पहुंच नहीं रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने ज़मीन की जो कीमत लगाई 8.5 लाख लगाई है प्रति कट्ठा, जबकि उन्हें 5 लाख प्रति कट्ठा दिया जा रहा है अधिकारियों की तरफ से, यानी 3.5 लाख जो प्रति कट्ठा उन्हें घाटा कम करके दिया जा रहा है। अब इसमें जो है वो कैसे वो तैयार होंगे, और 10 से 15 लाख कट्ठा जो है इस समय चल रहा है वहाँ पर, तो इस आधार पर वो इसके लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं। और अगर तैयार नहीं होंगे तो फिर ये ज़मीन जो है वो कैसे बिहार सरकार अधिकृत करेगी और कैसे इसे हैंडओवर किया जाएगा एयरपोर्ट अथॉरिटी को, क्योंकि सवाल यही है कि अगर ये चीज़ नहीं होगा तो एयरपोर्ट का विस्तार में देरी होगी और जाहिर है सरकार को इसको समझाने में बहुत दिक्कत आएगी। हालांकि जो ये ज़मीन है, ये ज़मीन व्यावसायिक दृष्टिकोण से सड़क के किनारे तो आप दुकान या रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, लेकिन वो जो एयरपोर्ट के पीछे की विस्तार वाली ज़मीन है वहाँ पर आप कोई बिल्डिंग भी नहीं बना सकते, क्योंकि और इसी को लेकर के अजय कुमार जो DLO हैं उनका कहना है कि जो रैयत यानी भू स्वामी हैं वो भू माफिया के चंगुल में हैं और वो उन्हें बरगला रहे हैं, बहका रहे हैं। और उनका कहना है कि ज़मीन अधिग्रहण का जो 3 श्रेणी में बांटा जाता है, एक विकासशील, एक आवासीय और एक कृषि के आधार पर किया जा रहा है, और इस आधार पर ही सरकार जो है कीमत निर्धारित करती है और उसी आधार पर मुआवजा दिया जाएगा, ये सरकार की तरफ से कहा गया है। हालांकि ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया काफ़ी धीमी है और ये कहा जा रहा था कि अगस्त में हैंडओवर किया जाएगा, तो अगर ये भूस्वामी अगर नहीं आएंगे कैंप में कागज़ लेकर के, और बहुत सारे लोगों के कागज़ भी ठीक नहीं होगा, जैसे कि दाखिल खारिज नहीं होगा, तो हालांकि प्रशासन का कहना है कि दाखिल खारिज और बाकी कागज़ों को ठीक करने में वो मदद करेंगे, लेकिन जो कीमत लगाई गई असल में वही दिक्कत है, जो 10.5 से 15 लाख की कीमत बता रहे हैं कि वहाँ पर है इस कीमत, और उन्हें जो दिया जा रहा है वो 8.5 लाख दिया जा रहा है, वो भी अधिकारियों के द्वारा 5.5 लाख की बात की जा रही है, तो 3.5 लाख का तो ऐसे ही कम उनको कहा जा रहा है। हालांकि ये सारी चीज़ें जो है कैंप में जाने से पहले की बात है, अगर वो कैंप में जाएंगे और वहाँ अधिकारी उनसे सीधे बातचीत होगी तो हो सकता है ये गलतफहमी दूर भी हो जाए कि सही रेट क्या ऑफ़र उनको किया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर ये प्रक्रिया, अगर ये इस तरह की गतिरोध बना रहेगा, इस तरह की गलतफहमियाँ बनी रहेगी, तो आने वाले दिनों में जो एयरपोर्ट का विस्तार होना है 24 एकड़ बाद में 54 एकड़, यानी टोटल 78 एकड़ ज़मीन जो अधिकृत करके दी जानी है, उसमें अड़चन आ सकती है और उसमें और डिले हो सकता है। तो कोशिश इस बात की थी कि ये जो सारी अधिग्रहण की जो बात है वो अप्रैल तक में करने की बात थी, मार्च अप्रैल तक में, लेकिन वो अब अगस्त में भी रखा गया है, लेकिन अब अगस्त में भी वो पूरा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहा है, जिस तरह की नई समस्या उत्पन्न हो गई है। तो उम्मीद यही है कि ये समस्या जो है आने वाले दिनों में जल्द ठीक हो जाए तो बेहतर है, नहीं तो एयरपोर्ट विस्तार में और लोगों को इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे सब्सक्राइब कीजिए, कुछ और वीडियो के साथ आते रहूँगा। आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।